चैनल, मैं हूं आपकी दोस्त किरण। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूं दोस्तों आलू और सूजी से बना हुआ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार वड़े की रेसिपी। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और यकीन मानिए दोस्तों, बनाना जितना आसान है ये खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ब्रेकफास्ट के रूप में, टी टाइम स्नैक्स के रूप में। तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है एक कढ़ाई ली है, नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। उसमें मैंने एक बड़ा ग्लास पानी डाला है और उसके बाद आधा चम्मच यहाँ पे क्रश किया हुआ मैंने डाला है लहसुन और उसके बाद लगभग 2 से 3 हरी मिर्ची आप यहाँ पे छोटे छोटे बारीक काट करके डाल सकते हैं और 2 पिंच के आसपास आपको हींग की ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी चीज़ें आपको आराम से अपने घर में मिलेगा। और आधा चम्मच यहाँ पे मैं ले रही हूँ जीरा, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाएगा, और नमक स्वाद के हिसाब से। तो बहुत ही कम मसाले में, बहुत ही कम सामग्री में आपका आज का रेसिपी बनने वाला है। ये आधा कप के आसपास मैंने सूजी लिया है यानी कि रवा। तो सूजी यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक दाना वाला भी, थोड़ा मोटा दाना वाला भी, तो जो मन हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। उसके बाद हमने ये लिया है, ये हमारा है चावल का आटा। तो चावल का आटा भी लगभग आधा कप के आसपास ही हमने लिया है। क्वांटिटी आप बढ़ा करके सभी चीज़ों का ले सकते हैं अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो, पर स्वादिष्ट बहुत बनता है। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से रखें, मतलब एक ही चीज़ से जो भी चीज़ ले रहे हैं मेजरिंग के लिए वो सभी चीज़ें एक चीज़ देख कर के लिए। ऐसा नहीं कि आपने सूजी किसी और चीज़ से मेज़र किया है और चावल का आटा किसी और चीज़ से। मेजरिंग के लिए कोई भी एक चीज़ फिक्स कर ले। कुछ ही देर में देखिएगा बहुत ही बढ़िया जो है आपको एक डो फॉर्म में मिल जाएगा। चावल का आटा डालने से थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी आता है और बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आएगी आपकी। ये देख सकते हैं कढ़ाई जब आपका छोड़ने लगे और हाथ इस तरीके से जब आपका ना चिपके तो समझ जाइए कि आपका बहुत ही बढ़िया डो बन करके रेडी हो चुका है। इसको निकाल ले एक प्लेट पे और इसको काफी अच्छे से ठंडा होने दें। अगले स्टेप में यहाँ पे मैंने लिया है, ये हमारा है उबला हुआ आलू। तो आलू की क्वांटिटी भी यहाँ पे छोटे छोटे आलू है जिसको मैंने लगभग 4-5 ले लिया है, मीडियम साइज के हैं। अगर आप बड़े वाले आलू लेते हैं तो 2 ही ले। और बहुत ही अच्छे से इसको यहाँ पे हमने मैश कर लिया हुआ है, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मैश होना ज़रूरी है। और इस मैश किया हुआ आलू को आपको डाल देना है इसमें, जो हमने चावल और सूजी के आटे का, सूजी से और चावल के आटे से जो डो बनाया है उसमें डाल देना है। उसका थोड़ा सा हरा धनिया काट करके डाल दें। हरा धनिया डालने से थोड़ा कलर तो बढ़िया दिखेगा ही और स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आएगा। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है चिली फ्लेक्स यानी कि मिर्ची का जो फ्लेक्स आता है वो डाल दिया है। और आधा चम्मच से 1 चम्मच के आसपास आपको यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला नहीं है तो आप चिकन मसाला पाउडर या फिर मीट मसाला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों हम लगभग 1 चम्मच के आसपास डालेंगे तेल। तेल के लिए आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल डाला है और काफ़ी अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। कुछ ही देर में देखिएगा कि बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं डो फॉर्म में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हाथ को अच्छे से क्लीन कर लेना है, धो लेना है और उसके बाद हाथों में तेल ज़रूर लगाएं। इस तरीके से ग्रीस करें हाथ को और उसके बाद फिर छोटा छोटा लोई जैसा, आप जैसा साइज वैसे छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसका। और उसके बाद लोई लेना है आपको, इस तरह से रोल करना है आपको काफ़ी अच्छे से। और फिर जैसे हम वड़ा बनाते हैं, वड़ा में क्या होता है बीच में हमेशा इस तरीके का होल होता है, तो आप फिंगर की मदद से इस तरीके से होल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ मैंने नहीं बनाया है, यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हैं थोड़ा छोटा ही है। तो साइज़ आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा या फिर थोड़ा छोटा या फिर मीडियम रख सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है सभी वड़े को बना करके रेडी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है हम और भी डिज़ाइन सभी वड़े को रेडी करेंगे। तो छोटे छोटे बॉल्स मैं यहाँ पर लेते जाऊँगी इस तरीके से। इसको पहले हाथ में इस तरीके से आपको अच्छे से दबाना है, फिर रोल करना है और फिर हल्का प्रेस करके आपको फिंगर की मदद से इसके अंदर होल कर देना है इस तरीके से। और इसी तरीके से आपको सारे बड़े बना करके रेडी करने हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने इसे कढ़ाई ली है, नॉनस्टिक कढ़ाई है, और इसको फ्राई करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल लिया है। एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ के साथ ही खाना में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो ये ले लिए और तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिए। गर्म करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है बॉल्स डाल के देखिए, अगर तेल गर्म होगा तो वो ऊपर ऊपर तल के आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपको इसके अंदर बड़ा डालना है। तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा जैसे ही इसके अंदर जाएगा ये सभी बिखरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आलू डाला हुआ है। तो इसलिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और एक साथ बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी ना डालें, नहीं तो क्या होगा तेल का टेम्परेचर अचानक से डाउन होगा और सभी आलू और बड़े जो है टूटना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए। कुछ ही देर में देखिएगा उलट पलट करके इसका कलर बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन में आ जाएगा। ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, और ऊपर से क्रिस्प लेयर हो जाएगा और अंदर से सॉफ्ट और मुलायम रहेगा दोस्तों। तो कुछ ही देर में बहुत ही बढ़िया कलर जैसे आएगा इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, पाव बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद आया है, खासतौर पे मेरा बेटा बहुत पसंद करता है इसको। उसने रिक्वेस्ट भी की है कि फिर से मैं उसको बना के एक बार इसको खिलाऊं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप भी अपने घर ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरीके से जो है हम सारे बैचेस को फटाफट से तल लेंगे। ये देखिए बेहद सुंदर, बेहद खूबसूरत और बहुत ही कम तेल मसाले में बना हुआ, सबको बहुत पसंद आएगा। सूजी आलू से बना हुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा हमारा आज का ये बड़ा का रेसिपी रेडी है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बाजार जैसा लुक आया हुआ है। तो देखने में जितना ये खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों, यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ट्राई करोगे आप इसको दोबारा ज़रूर बनाओगे। यहाँ पे मैं नज़दीक से भी दिखाती हूँ कितना खूबसूरत और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तोड़ के देखिए, ऊपर का लेयर क्रिस्प है और अंदर सॉफ्ट और बहुत ही सॉफ्ट है। तो खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। यहाँ पे आप इसको सर्व कर सकते हैं टोमेटो सॉस के साथ या फिर इमली की चटनी के साथ, धनिया की चटनी के साथ, सभी के साथ बहुत ही मज़े आएंगे। तो आप अपने घर ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स करके कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाया तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। अच्छा लगे आज का वीडियो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबसे फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।